एक और एपिसोड थोड़े सारे ना स्वागत है जी। तो आज ही दुनिया बहुत ही खास बोलने लगी क्योंकि मैं वहां इस टाइम CWE दे रिंग विच एंड इतने बैक टू बैक बिग फाइट होने वाली है थोड़ी देर में। यू कैन सी द स्टेज, स्टेज सज चुकी है, इतने बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज होने वाली है। कई बॉलीवुड स्टार एंड पंजाबी स्टार आके इतने परफॉर्म करने वाले हैं एंड ऑडियंस आनी शुरू हो चुकी है। फाइनली ऑडियंस आना ही शुरू हो चुकी है जी। ऑडियंस आना शुरू हो रही है और बहुत एक्साइटेड ऑडियंस भी और हम भी बहुत एक्साइटेड है। पहली बार देख रहा हूँ, मैं खुद एक सरप्राइज हूँ कि वाह क्योंकि राखी सावंत की मतलब देखो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी पहली बार मैं लाइव पे देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो आई थिंक सो जो मेरे जो जितने भी स्टूडेंट है CW के जो सुपरस्टार है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त एक उन्होंने तैयारी की है और आप अगर आप देखेंगे मैं लॉकर रूम पे देख रहा हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि इतना एक जबरदस्त मतलब एक मुकाबला हो रहा है। मैं खुद एक सरप्राइज हूँ कि भाई इतना मतलब एक जो टूट गई है सबकी पूरा जो एक अपना जो CW के सुपरस्टार है इतना एक कंपटीशन दे सकते हैं गोरे को। सारे लोग 7-7 फुट के, 6.5-6 फुट के, 7.5 फुट के सारे रेसलर आउट ऑफ कंट्री से आए हैं और बहुत एक प्राउड फील हो रहा है मेरे को कि भाई हिंदुस्तान में मैं जिसको लोग दूर दूर तक सोच नहीं सकते थे वो आज मैं हिंदुस्तान में पंचकुला चंडीगढ़ में करा रहा हूँ। ये देखे धुरंधर इनके सामने हाथी के सामने मैं मक्खी लग रही हूँ, मक्खी लग रही इतनी इन्नी सी। हेलो सर, हाउ आर यू? एक्सलेंट, योरसेल्फ? कंग्रा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सर, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू वेरी मच। सो हाउ आर यू फीलिंग? यू आर इन चंडीगढ़ एंड इज यू एक्साइटेड अबाउट द ग्रेट रिटन खली शो? आई एम एक्साइटेड अबाउट बीटिंग पीपल अप, आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट बीइंग इन चंडीगढ़, बट आई कांट वेट टू बीट सम पीपल अप। ओके, या एक्सेप्ट फॉर यू, आई वोंट बीट यू अप। गोरों से और आपके रेसलरों से बड़ा डर लग रहा है। मैं तो बड़ी चुई मुई सी छोटी सी हूँ, कोई मुझे पटक तो नहीं देगा? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो, मेरे को लगता नहीं कि आपको पटकेंगे, आप तो पूरे दुनिया को पटका है आपने, सो आपको मेरे को लगता कोई आपको पटक पाएगा। रेबल राखी सावंत को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। रेबल मुझसे ट्रैवलिंग भी नहीं हो रहा, बैठने भी नहीं हो रहा। एक मिनट खड़े होके भी दास दो राखी, स्टैंड अप, एक मिनट खड़े होके भी दास दो
राखी स्टैंड अप किते पब्लिसिटी स्टंट ते नहीं सी थी राखी थी राखी सावंत इज एब्सोल्युटली वेल नाउ मोरिया ने चैलेंज देता है जो साहब ने पिछले मैच उन्हें जवाब दिता लगता खड़ी साहब अज खड़ी सर उतरन गए अज गोरे जवाब देने करारा गोरिया ने जवाब देने करारा तो यू कैन सी द 360 व्यू अगेन स्टेज सज चुका है इतने परफॉर्मेंसेज होने वाली है थोड़ी देर बाद एंड यू कैन सी द ऑडियंस ऑल्सो अम्बाला चैन फटे चक देंगे चलिए खली साहब को जल्दी आ जाओ थोड़ी देर में देखना आपके सामने क्या धमाल होने जा रहा है खली साहब तुम कितने अम्बाला पहली बार आयो जी एडा वड्डा आयोजन कराया जा रहा है बहुत एक्साइटेड हूँ बिल्कुल क्योंकि मैं जो क्राउड की एनर्जी देख रहा हूँ और आधे से ज़्यादा ग्राउंड अभी भर गया है और तो मेरे को लगता है कि आज फुल फुल आप देख रहे हो कि कितनी लाइन लगी पड़ी मतलब तो मेरे को लगता है आज बिल्कुल सॉल आउट ये ग्राउंड होना है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई इतने जो इतना क्राउड है और इतना क्राउड WWE पे नहीं होता था जितना यहाँ CW को सुपरस्टार को देखने के लिए आ रहा है इन अंबाला एंड थोड़ी देर बाद CWE बिग फाइट शुरू होने वाली एक्साइटेड हो ताऊ देवीलाल स्टेडियम च राखी सावंत गॉट इंजर्ड एंड वी हैव रेबल राइट नाउ विद अस नमस्ते इंडिया नमस्ते इंडिया एज यू नो माय नेम इज रेबल एंड इंडिया विल नो माय नेम आई डिड नॉट मीन टू हर्ट राखी बट शी न्यू बेटर देन टू गेट इन द रिंग विद मी रॉयल रैम्बल मैच है बहुत ही बेहतरीन मैच है हमारे जो ये सुखी जो तैयार किया ग्रेट खली जी ने ये पंजाब का रहने वाला 7'3" हाइट है इसकी और ये बहुत ही बेहतरीन से आपको बहुत जल्दी WWE में मिलेगा जेड़ा 11 तारीख को होया ना 20 तारीख ना जीत गए आज आ गए आज खेले आज पता लगो आज पता लग गया आज पता लगो कि पंजाबी दा जोर की है Arshi Khan, blasting performance, Arshi. Thank you so much. Thank you. So this is your second performance in CWE. Yes, it's my second performance and two performance already होने वाला है अभी. वो भी बहुत मजेदार होगा. देखिए तो आपके fans कितना मतलब it's like blasting. Fans उससे गाना dedicate कर दो उन्हें. Thank you so much and मैंने तभी बोला वहाँ पर कि आज मुझे सच में लग रहा है कि मैं आवाम की जान हूँ. So thank you so much. कौन सा गाना? कोई भी गाना fans के लिए. जो फैंस इस टाइम तो इंटरव्यू देख रहे हैं मेरे रश के कमर तूने पहली
जब नजर से मिलाई मजा आ गया। अच्छा अंबाला शहर वासी जिहड़े अंबाला दे इस टाइम मौजूद है, इस टाइम हजारा की संख्या च तुहाडी इह परफॉर्मेंस देखी, अंबाला लई दो लाइना मतलब की कहना चाहोगे अंबाला दे क्राउड लई? बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि क्राउड कितना इंजॉय कर रहा है, और वो शो कर रहे हैं कि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आया मुझे उन लोगों के साथ। Lots of crowd. Yeah, there's a lot of crowd out there, but you know what? We came here to beat people up. We usually keep it inside the ring, but when that crowd throws stuff at us, throwing rocks, throwing bottles at us, then we're gonna take it beyond the ring. We're going over the guardrails to see if anyone wants to fight us. And just like we thought, there is nobody in India that's man enough to fight myself and Brody Steele. Not one person. Not one. There's 1.5 billion people in this country, and I will fight every goddamn one of them right now, one at a time or all at the same time. Me and my buddy, there won't be one left. We'll knock them all sparkos. When people start throwing stuff at me in the ring, they hit me with a rock. They've involved themselves in my fight. And if you want to involve yourself in my fight, you better goddamn well be ready to involve yourself and get knocked out. Khali has accepted your challenge. Where and he said Where that he will beat you in Karnal. Oh, I don't Karnal. Care. I don't care what Khali says. I'll beat Khali right now. Where is he? Where is Khali? He is in Karnal. He's in Karnal. Well, then we'll take it to Karnal. Crowd has been amazing. India, the support of wrestling has been amazing. Thank you, Dhanyavad India, for being an amazing crowd and fans. Thank you.